स्थित आता है उदयपुर। उदयपुर के ऊपर की ओर आता है राजसमंद, राजसमंद के पश्चिम की ओर जाओगे तो पाली, और इसे इसके इस साइड में जाओगे तो आंसर रहेगा आपका अजमेर। तो जो उदयपुर वाला पार्ट है इसमें कुछ विशेष प्रकार के नाल आपकी उपस्थित हैं, जैसे कि एक तो आती है केवड़ा की नाल, एक रहेगा ढेबर की नाल, एक इस एरिया में अपने फुलवारी नाल अर्थात फुलवारी पास, एक रहेगा हाथी नाल अर्थात हाथी पास। ये जो लोकेशन है ये अपने उदयपुर की है, जिसमें याद रखना आपको ढेबर में, ढेबर एक पास है जहाँ पे गोमती नदी बहते हुए आती है और एक झील का निर्माण करती है जिसका नाम है ढेबर झील या जैसमन झील। अर्थात वैसे ये जो झील है जैसमन झील, इसके निर्माता मेवाड़ महाराणा जयसिंह के द्वारा करवाया गया है, जो इसी नाल में होने के कारण जैसमन लेक का दूसरा नाम ढेबर झील भी है या उसको ढेबर लेक भी कहा जाता है। तो ढेबर में केवड़ा का फूल, हाथी ने तोड़ा, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो लोकेशन कौन सी थी? ढेबर, और फूल किसका था? केवड़ा का फूल अर्थात केवड़ा की नाल और फुलवारी की नाल, और उसके बाद में आता है आपका हाथी नाल। और जैसे ये फूल तोड़ा तो ये फूल था जयपुर महाराजा मानसिंह का, मान सकते हैं आप। तो मानसिंह ने मेवाड़ के ऊपर अटैक किया था और उस अटैक का जवाब मेवाड़ की सेना ने उनको हल्दीघाटी में दिया था। तो जैसे ही हाथी ने ये फूल तोड़ा तो उसके बाद में हम मानेंगे जैसे हल्दीघाटी के युद्ध में पहुंचेंगे उसके बाद। और हल्दीघाटी के युद्ध के अंदर क्या हुआ था? हाथियों की संख्या बहुत अधिक थी, हाथी इसमें खूब गए थे। तो आप एक कहानी के तौर पर मानेंगे मानसिंह ने एक हाथी को भाला से मारा और भाले से मारते ही वो हाथी घुड़ा। तो हाथी नाल थी, हाथी पास था तब तक तो उदयपुर में, और हल्दीघाटी में क्या हुआ? हाथी घुड़ा, घुड़ा यानी गिरा। तो हाथी घुड़ा की जो नाल बोली जाती है वो राजसमंद के अंदर, और हाथी घुड़ते वहाँ की एक जो लोकल नाल है जिसको हम कहेंगे खामली घाट या कमली घाट। तो हाथी घुड़ते मेवाड़ की जो कमली है वो आती है कि हाथी कैसे घुड़ा, तो इसको कमली या खामली घाट के नाम से जानते हैं। और कमली किसको छोड़कर आई? अपनी गाय को, यानी गो को याद रखना, गोरम घाट। रास्ता में मुख्यतः जहाँ घाट नालों के लिए यूज होता है वो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है। फिर अपन राजसमंद से पाली क्यों चलेंगे? राजसमंद यानी मेवाड़ और पाली मीनिंग मारवाड़। तो मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने के लिए अपने को क्या चाहिए, यानी मेवाड़ से मारवाड़ जाने के लिए अपने को क्या चाहिए? तो अपने को चाहिए पग अर्थात पगला की नाल। तो अगली जो नाल है वो है पगला की नाल। पगला की नाल का एक दूसरा नाम है जीलवा की नाल, इसको जीलवा नाल भी कहा जाता है। यहां से जैसे हम पाली पहुंचेंगे जीलवा नाल के माध्यम से, अर्थात जीलवा नाल दोनों के बीच में आती है, राजसमंद और पाली के बीच। तो इसके अंदर हम मेंशन करते हैं पाली और राजसमंद। और इससे हम जैसे ही मारवाड़ की ओर पहुंचेंगे पाली की ओर, तो वहां पाली के एक लोकल नाल देखते हैं, वहां की स्थानीय नाल जिसका नाम है देसुरी नाल। तो देसुरी नाल इज लोकेटेड इन पाली डिस्ट्रिक्ट। फिर पाली से अपन अजमेर की ओर जाते हैं, तो पाली से अजमेर में एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले आता है ब्यावर वाला पार्ट, या ब्यावर से अपन पाली की ओर एंट्री करते हैं। तो पाली में सबसे पहली लोकेशन आती है बर, तो उसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट नाल आती है बरनाल, जो कि पाली के बर को और अजमेर के ब्यावर से कनेक्ट करती है। तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, पाली और अजमेर को अटैच करने वाली या जोड़ने वाली नाल कौन सी है? तो उसमें आपका आंसर रहेगा बरनाल। जैसे ही अपन बरनाल से अजमेर पहुंचे, तो अजमेर में यहाँ के कुछ लोकल नाल हैं जिनको आपको याद रखना है, सूरा नाल और एक दूसरी है परवालिया नाल। तो परवालिया की नाल अजमेर एंड सूरा नाल, ये अजमेर, उससे पहले पाली में थे बरनाल। बरनाल हालांकि पाली और अजमेर को कनेक्ट करती है लेकिन मेनली पाली में स्थित है, क्योंकि जो बर जो लोकेशन आती है किसके अंदर है? पाली के अंदर। और इससे पहले देसुरी नाल पाली में, राजसमंद की कुछ प्रमुख नाल थी हाथी घुड़ा। अगर केवल हाथी नाल है तो आंसर रहेगा उदयपुर। और उस बेटल युद्ध हल्दीघाटी में हाथी क्या हुआ था युद्ध में घुड़ा? तो हाथी घुड़ा कहाँ पे? राजसमंद हल्दीघाटी में। और हाथी घुड़ते कौन भाग रही? कमली, तो उसे याद रखना कमली या खामली। और किसको छोड़ के? अपनी गाय को, तो इसको कहेंगे गो रम घाट। और एक जो मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाला पास है पगला की नाल या जीलवा की नाल, जो कि पाली और राजसमंद के मध्य स्थित है। उसके बाद में स्टार्टिंग में आपको जो उदयपुर वाली नाल बताई थी उनको आपको याद रखना है। राजस्थान में मैक्सिमम जो नाल या पासेज हैं वो आपको राजसमंद की याद रखना है। और राजस्थान में उदयपुर की जो एक नाल आती है फुलवारी की नाल, इससे संबंधित कुछ प्रमुख नदियां आती हैं, या इसमें कुछ प्रमुख नदियां बहती हैं जिनके नाम है सोम, मानसी एंड वाकल रिवर अर्थात वाकल नदियां। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेजर प्लेटू ऑफ अरावली, या यूं कह सकते हैं इंपॉर्टेंट प्लेटू ऑफ अरावली। अरावली के महत्वपूर्ण जो प्रमुख पठार है वो कौन कौन से हैं? तो उन पठारों में अपन चलेंगे, तो राजस्थान के जो हाईएस्ट प्लेटू या सबसे ऊंचे पठार है उसके रूप में उड़िया प्लेटू। तो उड़िया प्लेटू है राजस्थान में अरावली का जो सदन पार्ट है उसके अंदर स्थित है, यानी सिरोही के अंदर स्थित है, और जिसकी हाइट गुरु शिखर जो ब्लॉक है अर्थात गुरु शिखर जो पठार है, गुरु शिखर चोटी के रूप में, वैसे आबू ब्लॉक है, आबू ब्लॉक वाला जो पार्ट है उसके अंदर आपका आबू पठार माना जाता है, उसी के पास में ये पठार है। हालांकि जो आबू ब्लॉक या आबू पठार या जिसको आमतौर पर अपन आबू पर्वत कहते हैं, आबू पर्वत कितनी हाइट पर है? 1200 मीटर। बोलने को इसमें आबू माउंटेन बोलते हैं इसको, लेकिन आबू एक ब्लॉक के रूप में, ये प्लेटू या पठार के रूप में है। तो इसमें रहेगा आपका उड़िया प्लेटू लोकेटेड इन सदन अरावली इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट, अर्थात ये दक्षिण अरावली का पार्ट है। राजसमंद से लेकर आगे की अरावली सदन अरावली के रूप में होती है, और इसका नहीं है राजसमंद उदयपुर सिरोही वाले पोर्शन में काउंट होता है। यह माउंटेन पीक है, सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है गुरु शिखर। उड़िया पठार की ऊंचाई है वो 1360 मीटर है, और इसकी हाइट को लेकर एक इंपॉर्टेंस है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी एक पठार के रूप में मानी जाती है, कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार या पठार की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है? उड़िया प्लेटू या उड़िया पठार। तो इट इज द हाईएस्ट प्लेटू ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का दोनों का आंसर आपका सिरोही में रहेगा, माउंटेन में हाईएस्ट पार्ट रहता है गुरु शिखर वाला पार्ट, और प्लेटू में रहता है उड़िया प्लेटू। फिर आता है आबू ब्लॉक, जैसा कि मैंने आपको कहा इसमें आबू पर्वत लिखा हुआ रहता है, लेकिन इसका मीनिंग होता है आबू ब्लॉक। तो एक तो कई बार यही पूछा जाता है कि आबू ब्लॉक का मीनिंग क्या है, पठार है। उसके बाद में इसकी लोकेशन अगर पूछा जाए तो आपने जैसा कि उड़िया में लिखा वैसा ही आएगा, आबू ब्लॉक लोकेटेड इन सदर अरावली इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट। यह दक्षिण अरावली में सिरोही में स्थित पठार है, और आबू ब्लॉक को एग्जांपल माना गया बैथोलिथ स्ट्रक्चर का, यानी जो बैथोलिथ संरचनाएं होती हैं उनका। बैथोलिथ संरचना जनरली ज्वालामुखी जो उद्गार होते हैं, यानी जो वोल्केनो होती है, के रूप में होता है, कहा जाता है बैथोलिथ। यह आबू पर्वत को नाम दिया जाता है बैथोलिथ स्ट्रक्चर या गुंबदाकार संरचना। इसके बाद में नेक्स्ट आता है बोराट पठार। तो ये बोराट शब्द अपन पहले कर चुके हैं, राजस्थान में जो ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल जो वर्ड्स अपने कंप्लीट किए थे, जो ऐतिहासिक और भौगोलिक शब्दों को जो अपने कंप्लीट किया था, तो उसमें एक शब्द आया था बोराट और एक शब्द आया था भोमट। बोराट में एक तो राजसमंद और एक उदयपुर, इन दो डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाता है, जिसमें राजसमंद की कुंभलगढ़ और उदयपुर की गोगुंडा की जो हिल्स हैं उसके बीच का जो प्लेटू पार्ट या पठारी भाग है उसको लिया जाता है।
तो ये वाला जो पार्ट है बोराट, इट इज लोकेटेड इन सदर्न अरावली फ्रॉम उदयपुर, उदयपुर से टारगेट किया गया है गोगुंडा हिल्स को टू रासमंद कुंभलगढ़। तो इसमें रासमंद के कुंभलगढ़ को टारगेट किया गया है, तो यह उदयपुर गोगुंडा पहाड़ियों से रासमंद कुंभलगढ़ तक विस्तृत है और हाइट के रूप में इसकी हाइट मेंशन होती है अप्रोक्सीमेट 1225 अर्थात 1225 मीटर। अर्थात उड़िया पठार के बाद में दूसरा ऊंचा पठार बोराट है, उसके बाद में हाइट आती है आबू ब्लॉक या आबू प्लेट्यू की, लिखने को आबू पर्वती लिखा जाता है लेकिन अपने आप में क्या है एक पठार के रूप में है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट भोमट, तो भोमट भी आपको पहले करवाया हुआ है, भोमट है इट इज ए प्लेट्यू और हिल्स एरिया भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो अभी पठार के रूप में इसको लिया है, तो इट इज ए प्लेट्यू लोकेटेड बिटवीन उदयपुर टू डूंगरपुर, ये एक पठारी भाग है जो उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य स्थित है। भील ट्राइब मोस्ट फाउंड इन दिस रीजन, वो भील जनजाति है। इसके बाद में आता है लसाड़िया प्लेट्यू, लसाड़िया प्लेट्यू के बारे में एक लाइन आती है कि जो उदयपुर की जैसमंद लेक है यानी जो जैसमंद झील है, वो जैसमंद झील का जो ईस्टर्न पार्ट है जो कि बेडलैंड प्लेट्यू या उबड़ खाबड़ पठार के रूप में है, इस उबड़ खाबड़ पठार को नाम क्या दिया जाता है लसाड़िया प्लेट्यू। तो दिस प्लेट्यू इज लोकेटेड ईस्टर्न या उत्खात पठार जो है उस पठार को नाम दिया गया है लसाड़िया पठार। तो लसाड़िया पठार मुख्यतः कौन से डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है, उदयपुर अर्थात सदर्न अरावली पार्ट से जुड़ा हुआ है। इसके बाद में हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अरावली, अरावली का महत्व है या इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इसके महत्वपूर्ण जो विशेषताएं अरावली की जो अदर फिजिकल डिवीजन के पास देखने को सामने अपने को भाकर सामान्यता सिरोही की पहाड़ियों के लिए यूज होता है अरावली के अंदर। दूसरा नेम ऑफ हिल्स और उसके साथ अगर भाकर ऐड हो यानी पहले पहाड़ी का नाम हो और उसके बाद में अगर भाकर को लगा जाए तो वो पहाड़ी होगी आपकी जालौर के अंदर। ऐसा ही रास्ता में सामान्यता नेम ऑफ हिल्स या पहाड़ी का जो नाम होता है उसके आगे अगर मगरा और मगरी नाम से अगर सब इंडिकेट हो तो उस तरीके की जो पहाड़ियां वो अपनी मुख्यतः उदयपुर या जो मेवाड़ वाला रीजन है उसमें मानी जाती है, मेवाड़ क्षेत्र में या उदयपुर के आंसर होते हैं। और इसी तरीके से नेम ऑफ हिल्स पहाड़ी का नाम और उसके साथ डूंगर और डूंगरी शब्द जैसे यूज होते हैं, जैसे पहाड़ी का नाम या गांव का नाम दे दिया गया है उसके आगे डूंगर या डूंगरी शब्द जोड़ा गया है, इसका मीनिंग उस तरीके की जो पहाड़ियां हैं वो आपको जयपुर के आसपास देखने को मिलेंगे। अब इन एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग या इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रास्ता की कुछ पहाड़ियां पढ़ेंगे जिनकी लोकेशन आप लगभग ये डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, यानी गांव का नाम या पहाड़ी का नाम और उसके आगे भाकर और भाकरी है तो आंसर जालौर रहेगा, पहाड़ी का नाम मगरा और मगरी है तो मेवाड़ या उदयपुर, पहाड़ी का नाम और उसके आगे अगर डूंगर और डूंगरी है तो आंसर आपका जयपुर डिस्ट्रिक्ट रहेगा। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं, पहले राजस्थान के अंदर एक प्रमुख पहाड़ी आती है जिसका नाम है त्रिकुट हिल्स, यानी ये जो पहाड़ी है एक त्रिकुट पर्वत और एक चिड़िया टूंक। तो इन तीन पहाड़ियों को टारगेट करके सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी लोकेशन किस तरीके से है। जनरली हम कहते हैं राजस्थान ये है, राजस्थान के ईस्टर्न का नाम है त्रिकुट और पूर्वी भाग है जो कि करौली वाला पार्ट है जहाँ पे पहाड़ी मिलेगी आपको, लगभग यही नाम है त्रिकुट, लेकिन इसके आगे पहाड़ी नहीं बोलकर इसको अपन माउंटेन के रूप में इंडिकेट करते हैं, जबकि जैसलमेर वाला होता है इसको त्रिकुट हिल्स या त्रिकुट पहाड़ी के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो राजस्थान में जब भी त्रिकुट शब्द आता है तो उसके आगे क्या अटैच है, उसके आगे क्या शब्द लगाया गया है उसके अकॉर्डिंग उसकी लोकेशन मानी जाती है। अगर त्रिकुट हिल्स या पहाड़ी है तो इसका मीनिंग जैसलमेर, आप इसी एक शब्द को याद रखिएगा कि त्रिकुट पहाड़ी है तो उसका आंसर जैसलमेर और त्रिकुट पहाड़ी अगर शब्द यूज नहीं है, अगर कुछ और उसके आगे लगाया गया इसका मीनिंग त्रिकुट माउंटेन या पर्वत तो उसका आंसर रहेगा करौली। तो जो करौली वाला पार्ट है इसमें करौली में एक प्रमुख टेंपल या एक मंदिर है केला देवी माता का मंदिर, वो इसी पहाड़ी पे माना जाता है, जबकि जो है सोनार फोर्ट, तो जैसलमेर का दुर्ग या सोनार का किला त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है और इन दोनों त्रिकुट के बीच में यहां मानना है आपको चिड़िया को, इन दोनों के बीच में कौन बैठी है चिड़िया, तो इसको बोलेंगे अपन चिड़िया टूंक पहाड़ी। तो चिड़िया टूंक की जो लोकेशन आती है अपने जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जोधपुर वाली चिड़िया टूंक का संबंध है मेहरानगढ़ से, अर्थात राजस्थान का एक आगे वाली जो हिल्स है वो आती है पॉइंट नंबर 4 छप्पन हिल्स यानी 56 हिल्स या छप्पन की पहाड़ियां, उसके बाद में नेक्स्ट जो हिल्स है वो आपके रोजा भाकर के रूप में, इसवाना भाकर, झारोला भाकर, इन पहाड़ियों के रूप में। तो सबसे पहले अपन कवर करते हैं छप्पन हिल्स, छप्पन हिल्स का मीनिंग क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट रहता है अपना बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, बाड़मेर में एक जगह आती है सिवाना, जो सिवाना वाला पार्ट है इसके पास में चारों पहाड़ियां और इन पहाड़ियों की जो काउंटिंग है ये मानी जाती है 56, तो इन पहाड़ियों को अपन नाम देते हैं 56 हिल्स या छप्पन की पहाड़ी, जिसमें एक प्रमुख क्षेत्र आता है नाकोड़ा। तो बाड़मेर में ये जो पहाड़ियां आती है नाकोड़ा की, नाकोड़ा हिल्स जहां पे जैन मंदिर अधिक होने के कारण, या एक क्षेत्र है बाड़मेर में मेवा क्षेत्र या मेवानगर, तो जो नाकोड़ा वाला जो पार्ट है इसको नाम दिया जाता है राजस्थान का मेवानगर। तो यहां से क्वेश्चन अप्लाई होता है आपके, राजस्थान में मेवानगर किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो राजस्थान का मेवानगर एक तो राजस्थान के भरतपुर अलवर वाला जो क्षेत्र है राजस्थान के पूर्व की ओर जहां मेव जाति अधिक होने के कारण उसको मेव क्षेत्र, जबकि बाड़मेर में जो नाकोड़ा क्षेत्र है इसको नाम दिया गया है मेवानगर के नाम से। इसके बाद में हम देखते हैं इसमें जो नेक्स्ट आपकी जालौर की पहाड़ियां हैं, इसमें जालौर जैसे इसमें तीन नाम अप्लाई होते हैं, तो रोजा के आगे भाकर तो आंसर जालौर, फिर आता है इसराना के आगे भाकर, इसराना भाकर, इसका आंसर भी जालौर, फिर आता है एक झारोला भाकर, तो झारोला भाकर, इसका आंसर भी आपके क्या रहेगा पहाड़ी का नाम क्या भाकर है तो जालौर डिस्ट्रिक्ट। फिर आती है एक प्रमुख पहाड़ियां जालौर की और जसवंतपुरा हिल्स, जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां हैं ये जालौर माउंटेन है, ये कहां लोकेटेड है तो ये जालौर में स्थित है और जो जसवंतपुरा पहाड़ी है उन्हीं का जो हाईएस्ट पीक है उसको नाम दिया गया डोरा माउंटेन या डोरा पर्वत। इसके बाद में कहता है अपना इसमें सुंदा माता, तो सुंदा माता जो माउंटेन या पर्वत है ये जालौर में है जो अपनी कई इंपोर्टेंस के लिए जाना जाता है। एक तो इस एरिया में राजस्थान में सबसे पहले जो रोपवे बनाया गया था, जैसे ये सब मैंने बोला रोपवे, तो रोपवे का मीनिंग होता है जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं अधिक हाइट वाली रास्ते हमारे को कहा जाता है वे, तो रोपवे का मीनिंग है पहाड़ी क्षेत्रों पे चलने वाला जो कि टूरिज्म वगैरह को अट्रैक्ट करता है, परिवहन सुविधा को आसान बनाता है। राजस्थान में ऐसा पहला रोपवे सुंदा माता पर्वत पे 2006-2006 में बनाया गया था। दूसरा ये वाला जो माउंटेन है ये सुंदा माता जो टेंपल है उसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है, और उसके बाद इस क्षेत्र में मुख्यतः बियर कंजर्वेशन अर्थात भालुओं को संरक्षित रहेगा सुंदा माता माउंटेन जालौर डिस्ट्रिक्ट। सुंदा माता के अंदर जो विशेषता है वो इसमें इंडिकेट। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं भाकर, भाकर जो पहाड़ियां यानी जिनका एक्यूट स्लोप होता है तीव्र ढाल होता है और जो बेडलैंड हिल्स के रूप में होती है थोड़ी उबड़ खाबड़ पहाड़ियों के रूप में होती है उन्हीं पहाड़ियों को नाम दिया जाता है भाकर। और ऐसा ही शब्द अगर गांव के नाम के साथ या पहाड़ी के नाम के साथ यूज होता है तो उसमें अपने आंसर माने हैं जालौर के अंदर अर्थात पहाड़ियों के नाम प्लस भाकर, तब आंसर आपके जालौर से लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में कई बार अप्लाई होता है। अब इसका मीनिंग क्या लिया जाता है इन सदर्न अरावली स्मॉल एक्यूट एंड बेडलैंड भाकर अरावली के दक्षिणी भाग में सामान्यता है जो तीव्र ढाल और उबड़ खाबड़ वाली जो पहाड़ियां उनको नाम दिया जाता है भाकर।
और दक्षिणी अरावली का मीनिंग है मुख्यतः सिरोही की ओर पाई जाती है। फिर उसके बाद में एक अपवाद आता है बेल का मगरा, तो ये जो शब्द है बेल का मगरा, ये इसकी जगह मजरा की जगह मगरा शब्द है, और ये मगरा सामने मेवाड़ की तरफ यूज होता है, तो ये उदयपुर के पश्चिम की ओर अर्थात सिरोही का जो ईस्टर्न पार्ट है उस डायरेक्शन में है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट इसमें सिरोही लिया जाता है, तो बेल का मगरा आंसर क्या रहेगा, सिरोही डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद में जो नेक्स्ट है मगरा के एग्जाम्पल या मगरी के एग्जाम्पल यानी मोती मगरी, हिरण मगरी, माछला मगरा, तो ये जो पहाड़ी के नाम के साथ अगर मगरा शब्द यूज होता है इस एक अपवाद को छोड़ के, इस एक जो एक्सेप्शन के साथ का जो रखा है सिरोही वाला, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी पहाड़ी का नाम और मगरा मगरी आपके आंसर कहाँ रहेंगे, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद में एक पहाड़ी आती है जर्गा हिल्स, जो कि मेवाड़ अरावली के अंदर एक प्रमुख चोटी या ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसकी हाइट है 1431 मीटर। इसका हाइट 1431 मीटर है। मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी मेवाड़ यानी अपना जो राजसमंद वाला पार्ट और जो उदयपुर वाला पार्ट है उनमें सबसे ऊंची चोटी के रूप में लिया जाता है जर्गा हिल्स को। जर्गा में यदि आप जय को कम कर दें तो फिर इसको बोलेंगे अपन रगा हिल्स, तो रगा नहीं बोलकर रगा हिल्स, तो रगा हिल्स वाला पार्ट भी इसी साइड में उदयपुर और राजसमंद के पास में, जिसमें जो जर्गा हिल्स है जो मैक्सिमम हाइट में मेवाड़ की ओर अच्छी बारिश होती है, और इनके बीच का जो एरिया होता है इसको कहा जाता है देशरो क्षेत्र। तो देशरो एरिया का मीनिंग क्या लिया जाता है, ये दोनों पहाड़ियां कहां स्थित है या कहां लोकेटेड है, इसका मीनिंग दोनों उदयपुर में है, और इन पहाड़ियों के बीच में अच्छी बारिश होने के कारण इस क्षेत्र में ग्रीनरी डेवलप होती है, ग्रीनरी ग्रो करती है, जिसको नाम दिया जाता है देशरो। तो देशरो का मीनिंग होता है एक ग्रीनरी एरिया लोकेटेड बिटवीन जर्गा एंड रगा हिल्स इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट या उदयपुर सिटी। तो उदयपुर शहर या उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जर्गा रगा पहाड़ियों के बीच का जो हरा भरा क्षेत्र है उसको देशरो कहा जाता है। तो देशरो का मीनिंग दिया जाएगा ग्रीनरी रीजन या हरा भरा क्षेत्र। इसके बाद में उदयपुर की कुछ प्रमुख पहाड़ियां और बस्ती हैं जिनको लास्ट में आप गोभी के नाम से याद रख सकते हैं। गो का मीनिंग है गोगुंडा और बी से आपको बीछा मेड़ा, जहां से राजस्थान की दो प्रमुख नदियां हैं जिनका उद्गम होता है। गोगुंडा का संबंध नगरी है, तो जो आहड़ सभ्यता है रिवर का ओरिजिन होता है वो आई रिवर या बेड़त रिवर के रूप में है, जबकि दूसरी जो पहाड़ी है बीछा मेड़ा हिल्स जिसका ओरिजिन माना जाता है सोम रिवर को, और एक अपने मगरा के नाम से इसमें पहाड़ी और आती है रेल का मगरा, यह भी अपवाद है उदयपुर में नहीं होकर कहां पे राजसमंद में। सामान्यतः अपने पढ़ा है कि जहां पहाड़ी के नाम के साथ ये मगरा और मगरी शब्द होता है तो उसका आंसर अपने सामने उदयपुर वाले हिस्से को लिया जाता है। तो इसमें दो पहाड़ियां से अपवाद के रूप में अपन पढ़ चुके हैं, पहले आ चुकी है बेल का मगरा जो कि अपने सिरोही की ओर है, और एक अभी अपने देखिए रेल का मगरा जो कि राजसमंद की ओर है। इन दो पहाड़ियों के अलावा जितने भी पहाड़ी का नाम और उसके साथ अगर मगरा वर्ड इंडिकेट है तो सामान्यतः उनका लोकेशन अपना क्या है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। जैसे मोती मगरी, माछला मगरा, हिरण मगरी, ये एग्जांपल आपके उदयपुर में है, जिसमें जो उदयपुर के अंदर जो कि पिछोला लेक या पिछोला झील के पास में माना जाता है। इसके बाद में राजसमंद की ओर प्रमुख कुछ पहाड़ियां जिसके नाम है बिजराल, दिवेर पहाड़ी और खमनौर हिल्स, जो कि अपन देखें तो राजसमंद वाला जो पार्ट है उस राजसमंद वाले पार्ट में ऊपर से नीचे की ओर स्थित है। इसका मीनिंग है इन पहाड़ियों की लोकेशन राजसमंद की ओर कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है अपने को। इसमें ऊपर वाली जो पहाड़ी है उसका नाम रहता है बिजराल हिल्स, इसके नीचे राजस्थान में राजसमंद की ओर दो प्रमुख बैटल लैंड यानी जहां युद्ध हुआ है वो युद्ध भूमि स्थित है, जिसमें एक रहेगा आपका दिवेर अर्थात दिवेर हिल्स के रूप में, और एक रहेगा इसमें खमनौर, खमनौर हिल्स के रूप में। और इन तीन पहाड़ियों से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं उन नदियों में खमनौर से निकलने वाली जो प्रमुख नदी है उसका नाम है बनास रिवर, और इसमें मिलने वाली जो दो प्रमुख नदियां हैं जिनको अपन इंडिकेट करेंगे कै और खै सबसे, यानी एक का नाम रहेगा कोठारी और उसके ऊपर वाली का नाम रहेगा खारी। इसका मीनिंग इन पहाड़ियों का संबंध राजस्थान की कुछ प्रमुख नदियों से भी है, इस कारण एग्जाम में उन नदियों के ओरिजिन पॉइंट या उद्गम स्थान के आधार पर इन पहाड़ियों को पूछा जा सकता है, या ये पहाड़ियां अरावली की प्रमुख पहाड़ियां हैं इसलिए इनकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है। तो राजसमंद जबकि बिजराल की पहाड़ी भी कहां स्थित है, ये भी राजसमंद का ही पार्ट। तो इन तीन प्रमुख पहाड़ियों का आपको याद रखना है। तो राजसमंद में एक अपने पहले देखिए रेल का मगरा, और उसके बाद में तीन प्रमुख पहाड़ियों की लोकेशन यहां स्थित है। इसके बाद में पहाड़ियां जिसे माना जाता है ओरिजिन ऑफ लूनी या सरपिला का रूप में दिखाई है, जिसका नाम है लूनी, तो अजमेर में अरावली सनेक टाइप या सरपिला का रूप में होने के कारण इसको नाम दिया गया नाग हिल्स। तो अरावली में जो नाग पहाड़ियां मुख्यतः कहां पाई जाती हैं, तो ये नाग पहाड़ियां नाग हिल्स है अजमेर की ओर। हालांकि पहाड़ियां दो प्रमुख पहाड़ियां अजमेर के वेस्ट की ओर नाग पहाड़ियां और अजमेर जो सिटी वाला एरिया है उस ओर पाई जाने वाली अरावली पहाड़ियों को कहा जाता है तारागढ़ क्षेत्र या तारागढ़ हिल्स के रूप में। तो ये जो तारागढ़ वाला पार्ट है ये थोड़ा अधिक ऊंचा है और उसकी तुलना में नाग पहाड़ियां ये इनकी हाइट कम मानी जाती है। पहाड़ी के नाम क्या फिर डूंगरी पहाड़ी के नाम क्या मगरा मगरी, तो सामान्य आंसर उदयपुर कुछ एक अपवाद है जो सिरोही और राजसमंद में भी है मगरा मगरी के नाम से। तो ये जो जयपुर वाली पहाड़ियां मुख्यतः कौन सी है, तो इनमें याद रखना सामान्य डूंगरी जो शब्द यूज होता है वो जयपुर या इसके आसपास की पहाड़ियों के लिए होता है, जैसे मोती डूंगरी, तो ये ऊपर वाली जो दो पहाड़ियां मुख्यतः और बिजक डूंगरी। तो ये लास्ट वाली जो चार डूंगरी जो लास्ट वाली आपने जयपुर लिखे हैं, जयपुर के मुख्यतः कौन से एरिया में, ये जयपुर के बैराट एरिया में या बैराट क्षेत्र में है। मनोहरपुर हिल्स, एक सेवर हिल्स, एक आती है बैराट हिल्स, इन तीनों पहाड़ियों का किसी न किसी चीज को लेकर या रिवर को लेकर इनका इंपॉर्टेंस माना जाता है। तो अभी जो तीन पहाड़ियां आपने देखे इसमें, अब जयपुर का जो पार्ट अलवर की ओर जाते हुए जयपुर के उत्तर की ओर जो पहाड़ी है उसको नाम दिया जाता है सेवर हिल्स। सेवर हिल्स से निकलने वाली जो हरियाणा की नदी जाती है उसको कहते हैं साबी रिवर, और जयपुर से एक पहाड़ी आती है मनोहरपुर पहाड़ी, मनोहरपुर हिल्स। मनोहरपुर की जो पहाड़ियां उससे निकलकर आने वाली सामर की जो नदी है उसको नाम दिया जाता है मेन था। तो ये जो रिवर्स और जो हिल्स है इनके जो स्टार्टिंग नेम है आपस में मैच होते हुए हैं, जैसे बैराट है तो वहां से निकलने वाली बैसब से, या बैराट बी से वहां से निकलने वाली बी से बाणगंगा, सेवर में सैसे साबी रिवर, मनोहरपुरा में मैसे मेंथा रिवर। मेंथा रिवर को एक नाम और भी दिया जाता है, इसे मेंढा रिवर भी कहा जाता है। तो मेंढा रिवर कौन से, जो मनोहरपुर की पहाड़ियों से आके और सामर लेक में मिलती है। इसके बाद में दूसरा नाम है मेंढा रिवर। उसके बाद में सेवर हिल्स जहाँ से सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, जहाँ रणथंबोर है उसके पास में, तो चौथ का बड़ा इसका लोकेशन है सवाई माधोपुर। तीसरा और दस्ते का जो भंडारण है उसके लिए इन पहाड़ियों को प्रसिद्ध माना जाता है। इसके बाद में आती है बाबाई हिल्स, यानी जिसमें दो शब्द हैं बाबा और एक झुंझुनू के अंदर देखते हैं बाबा की जगह रहेगा बाबा और आगे कॉमन वर्ड है दोनों में ई, तो जहाँ बाबाई हिल्स है वो लोकेशन रहेगी जयपुर के पास, और जहाँ बाबाई हिल्स है ये लोकेशन रहेगी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के पास में। जिन पहाड़ियों को जाना जाता है और जीन माता मंदिर जो है वह अपने
और जाने वाली एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है कांतली, जिसके दोनों ओर तंवर शासक होने के कारण इसके एरिया को नाम क्या दिया जाता है? तोरावाटी। इसके बाद में है नेक्स्ट उदयनाथ की पहाड़ी। हालांकि उदयनाथ से पहले जो दो पॉइंट लिखे हुए हैं ये खंडेला की पहाड़ियों की विशेषता है, जिसमें खंडेला की पहाड़ी जहां से कांतली नदी का उद्गम होता है के नाम से, और जो भीलवाड़ा है वो है बीजासन के नाम से। इन दोनों को याद रखिएगा, एग्जाम में ये वाला ज्यादा पूछा जाता है, बूंदी वाला, एग्जाम की दृष्टि से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये जो आड़ा वाला, इसका लोकेशन याद रखना कि बूंदी में, इसका मीनिंग मुख्यतः हड़ौती का हिस्सा नहीं है, इस साइड के जो माउंटेन आते हैं जो हड़ौती के होते हैं, इसका मीनिंग फिर वो हड़ौती पठार में शामिल है। अब राजस्थान में कुछ विशेष आकृति की पहाड़ियां हैं जिनको हम कहते हैं स्पेशल सेफ हिल्स, यानी विशेष आकृति की पहाड़ी। बाड़मेर में जो दूसरा नाम इनको 56 हिल्स के नाम से भी जान सकते हैं, नाल जैसी पहाड़ी, तो घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी, यानी इस तरीके की जो पहाड़ियां, जो डायग्राम दिया आपका, इस तरीके की जो पहाड़ियां होती है मुख्यतः 12 में होती है राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट में, यानी जो सी ऑफ हॉर्स टाइप यानी घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी है, तो उसमें आंसर आपका 12, और घोड़े के नाल जैसा जिला, घोड़े के नाल जैसा जिला यानी जिले में किसमें यह आकृति आती है, तो आंसर रहेगा इसमें अपना चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट, यानी जो तीन और से तस्तरी नुमा पहाड़ी के रूप में गिरी हुई है, क्या होती है? मेन सीरीज ऑफ माउंटेन्स इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट इज नॉट सिटी लोकेटेड इन दिस रीजन, मुख्य डिस्ट्रिक्ट कोटा और इसके नीचे वाला पार्ट झालावाड़, मुख्यतः ये वाले हिस्से हैं, इनको कहा जाता है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। इन अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में एक तो बूंदी की पहाड़ियां शामिल होती हैं जिनको नाम दिया जाता है बूंदी हिल्स, और एक होती है कोटा और झालावाड़, इनके मध्य पाई जाने वाली पहाड़ी जिसको नाम दिया जाता है दरा हिल्स। तो सामान्यतः बूंदी हिल्स और जो दरा हिल्स है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो दरा हिल्स है कोटा और झालावाड़, जिसके नाम से राजस्थान में एक नेशनल पार्क भी आपने सुना होगा, मुकुंदरा हिल्स। तो मुकुंदरा हिल्स वाला जो पार्ट है वो यही है कोटा के आसपास वाले एरिया में, जबकि एक पहाड़ी आती है बूंदी हिल्स जो कि बूंदी वाले एरिया में है। बूंदी हिल्स और मुकुंदरा हिल्स इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तब इनको नाम दिया जाता है अर्धचंद्राकार पहाड़ी या क्रिसेंट सेफ हिल्स के रूप में इनको डिफाइन किया जाता है। फिर आते हैं नाग हिल्स, यानी जो अजमेर की ओर पाई जाने वाली जो पहाड़ियां हैं जो कि मुख्यतः नाग के लोकेटेड इन दिस हिल्स, उदयपुर शहर इन पहाड़ियों के मध्य स्थित है। फिर अरावली से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका आपको पता होना चाहिए। तो अपने जियोमॉर्फोलॉजी या भूआकृति से संबंधित जो अध्ययन है उसमें एक प्रमुख अध्ययन करने वाले अरावली की चट्टानों का अध्ययन किया गया, और अरावली की चट्टानों को बताया कि ये जो मेन रॉक्स होती हैं उसमें डेली ग्रुप का पार्ट है, और बाद में डेली ग्रुप या दिल्ली ग्रुप के कुछ सब पार्ट्स इन्होंने माने या इनके गौण भाग इन्होंने माने जो कि इसमें नीचे इंडिकेट है। तो एक तो ये ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू ए एम हेरन, अरावली रॉक्स इज ए पार्ट ऑफ डेली सुपर ग्रुप, ग्रुप शामिल किए गए हैं। अब इन तीन ग्रुप में कौन कौन से हैं? तो एक तो इसमें अलवर ग्रुप के रॉक्स हैं, एक सेकंड है अजबगढ़ ग्रुप, और तीसरा ग्रुप किया जाता है इसमें राइलो ग्रुप या राइलो समूह है। पिडमंट यानी अपडेट पहाड़ियों को पिडमांट के नाम से जाना जाता है, और सामान्यतः इस प्रकार के स्ट्रक्चर है राजसमंद के देवगढ़ क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो पिडमांट का मीनिंग क्या लिया जाता है? इरोजन हिल्स इज नॉन एज पिडमांट, इट इज लोकेटेड इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। राजसमंद जिले में जो अपर्दन के पास शेष बची पहाड़ियां हैं वो पिडमांट के रूप में डिफाइन होती है। पिडमांट के रूप में दो तो मेन डिवीजन माने जाते हैं, यानी दो मुख्य भाग किए जाते हैं, और इसके तीन सब डिवीजन माने जाते हैं यानी गौण भाग किए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू हड़ौती डिवाइड्स इनटू टू मेन पार्ट एंड थ्री सब डिवीजन पार्ट्स। तो अपने जो लास्ट में देखा है इसमें कि हड़ौती को अध्ययन की दृष्टि से हमारे मुख्यतः दो मुख्य भाग और तीन गौण भागों में डिवाइड किया जाता है, यानी टू मेन डिवीजन एंड थ्री सब डिवीजन पार्ट्स। अब ये जो आपके डिवीजन है इसमें मुख्य डिवीजन यानी मेन भाग कौन से हैं वो कंप्लीट करने के बाद में जो तीन सब डिवीजन भाग हैं वो कौन से हैं उसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हड़ौती के जो मेन डिवीजन या जो मुख्य भाग हैं वो कौन से हैं। तो हड़ौती के जो मुख्य भाग है उसमें एक आता है उसके नीचे वाला हिस्सा जिसको हम कहते हैं डेक्कन लावा प्लेटू, यानी दक्कन लावा पठार, जो उसके सदन जो होने का इसको दक्कन बोला गया है, और एक दूसरा है विंध्य माउंटेन का वो भाग जो राजस्थान को फैला हुआ है जो हड़ौती के अटैच में है। हालांकि इंडियन ज्योग्राफी में हम विंध्य माउंटेन को अलग से पढ़ते हैं और अरावली को अलग से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ राजस्थान में जो विंध्य वाला पार्ट राजस्थान के पास है उसको हम हड़ौती के अंदर कवर करते हैं, और इस हिस्से को लिया जाता है विंध्य स्कार्पलैंड अर्थात विंध्य कगार के नाम से इसको लिया जाता है। तो विंध्य कगार वाला हिस्सा राजस्थान में हड़ौती का ही भाग है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है कई बार कि विंध्य स्कार्पलैंड या विंध्य वाला हिस्सा राजस्थान के किस फिजिकल डिवीजन में है, तो आंसर रहेगा मेन पार्ट ऑफ हड़ौती के मुख्य भाग हड़ौती का है। या राजस्थान में जो दक्कन लावा प्लेटू बोला जाता है वो मुख्यतः किस फिजिकल डिवीजन में कवर होता है, तो ये भी हड़ौती के मेन डिवीजन के रूप में होता है। अब इसमें स्टार्टिंग करेंगे अपन पहले दक्कन लावा प्लेटू और बाद में विंध्य स्कार्पलैंड। उससे पहले अपन ये देखेंगे दक्कन लावा प्लेटू की लोकेशन कहां पे आती है और विंध्य स्कार्पलैंड है हड़ौती में कहां लोकेटेड या कहां स्थित है। दूसरे राजस्थान वाला ये जो पार्ट है इसमें मेन पोर्शन जो है हड़ौती वाला, इस हड़ौती के नीचे वाला ये जो भाग है ये मध्य प्रदेश का मालवा पार्ट, और इस मालवा का जो हिस्सा राजस्थान की ओर फैला हुआ है ये हड़ौती के सदन पार्ट के रूप में जिसको नाम दिया जाता है दक्कन लावा प्लेटू, दक्कन लावा पठार। और जो दूसरा भाग है राजस्थान के पूर्व से लेके और इनके नीचे से फैला हुआ है यह आता है विंध्य माउंटेन, लेकिन इसका राजस्थान का जो फैला हुआ हिस्सा है इसको नाम दिया जाता है विंध्य कगार या विंध्य स्कार्पलैंड, इसे विंध्य कगार के नाम से जानते हैं। तो दोनों जो मेन डिवीजन है विंध्य कगार और दक्कन लावा प्लेटू यह हड़ौती के मुख्य भाग के रूप में लिया जाता है, जबकि हड़ौती वाला जो पोर्शन बचा हुआ है इसको पढ़ा जाता है इसके सब डिवीजन पार्ट या गौण भागों के अंदर। तो एक तो इसका जो सदन वाला पार्ट है दक्कन लावा प्लेटू, इसके दो भाग राजस्थान में बनते हैं, यानी राजस्थान में मुख्यतः दो एरिया में या दो डिवीजन्स में फैला हुआ है जिसमें झालावाड़ और प्रतापगढ़ की ओर इसको कहते हैं मालो रीजन या मालो प्रदेश, और एक ऊपर वाला हिस्सा जहां चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा एरिया है उसको कहते हैं ऊपरमाल, ऊपर का मीनिंग उत्तर की ओर और माल यानी पठारी भाग। तो इसके ऊपर वाले हिस्से को नाम दिया जाता है ऊपरमाल प्लेटू। तो इसके दो भाग होते हैं एक तो मालो रीजन और एक दूसरा ऊपरमाल प्लेटू। और विंध्य स्कार्पलैंड है जो मुख्यतः राजस्थान के डांग वाले एरिया मीनिंग करौली धौलपुर और सवाई माधोपुर, उसके बाद में राजस्थान के मुख्यतः हड़ौती वाले क्षेत्र को कवर करती है जिसका मीनिंग होता है कोटा बूंदी बारा एंड झालावाड़। तो इसमें एक तो ये जो पॉइंट है हड़ौती के अंदर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है ये भी इसमें कॉन्सेप्ट आता है। ये अगर हम समझे तो ये इस तरीके से है, जैसे इस साइड में हमारे अरावली माउंटेन, अरावली और हड़ौती के बीच में यहाँ पे एक भ्रंश या एक फॉल्ट या एक दरार है, और इस दरार या भ्रंश को नाम दिया जाता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यानी जीबीएफ,
ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट यानी महान, बाउंड्री यानी सीमा या सीमांत, फॉल्ट यानी भ्रंश, अर्थात महान सीमांत भ्रंश के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो राजस्थान के पठारी भाग और पर्वतीय भाग अर्थात हाड़ोती और अरावली से को अलग करता है। और इसका विस्तार मुख्यतः चित्तौड़, भीलवाड़ा और हाड़ोती के ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट बूंदी से और बाद में डांग एरिया की ओर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर की ओर विस्तृत है। और फिर राजस्थान के बाहर की ओर इस साइड में फैला हुआ है। इसका मीनिंग राजस्थान के दो फिजिकल डिवीजन को अलग करता है, एक तो प्लेटू पोर्शन को अर्थात हाड़ोती को और एक दूसरा माउंटेन पार्ट्स को अर्थात अरावली को। तो जो भी आपको बताया था कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट क्या है, तो हिंदी में इसका मीनिंग लेते हैं अपन महान सीमांत भ्रंश। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि इट इज ए फॉल्ट, कि एक भ्रंश है, इट्स लोकेटेड बिटवीन हाड़ोती एंड अरावली, जो अरावली और हाड़ोती के मध्य स्थित है। सॉरी, ये राजस्थान के कौन से एरिया को कवर करता है, तो इसमें एक तो एरिया कवर होते हैं चित्तौड़ और भीलवाड़ा वाला, उसके बाद में हाड़ोती का उत्तरी भाग बूंदी और बाद में करौली धौलपुर सवाई माधोपुर अर्थात डांग एरिया, ये वाले आपके बिहार क्षेत्र में या डांग रीजन में माने जाते हैं। तो राजस्थान के इन क्षेत्रों में महान सीमांत भ्रंश को माना जाता है। तो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, पहले पूछा भी गया क्वेश्चन कि महान सीमांत भ्रंश राजस्थान में कहां लोकेटेड है, तो अगर फिजिकल डिवीजन पूछ रहे हैं तो इट्स लोकेटेड बिटवीन अरावली एंड हाड़ोती, यह है अरावली और हाड़ोती के मध्य स्थित है। और पहले एग्जाम में इसके जिले पूछे गए कि राजस्थान के कौन से जिलों से यह संबंधित है, तो इसमें जो जिले इसके लिखे हुए या जो डिस्ट्रिक्ट इसमें मेंशन है इनको आप याद रखिएगा। इसके बाद में जो हाड़ोती के दो भाग मैंने आपको बताए थे उसके अंदर पहला जो भाग है वो लेंगे अपन दक्कन लावा प्लेटू यानी दक्कन का पठार। तो दक्कन लावा पठार एक भारत में महाराष्ट्र की ओर आता है, उसको नाम यह दिया जाता है दक्कन पठार, दक्कन प्लेटू, जबकि राजस्थान की हाड़ोती का जो पोर्शन है उसको नाम दिया गया दक्कन लावा प्लेटू, जो कि मुख्यतः राजस्थान में दो एरिया के रूप में फैला हुआ है, एक तो मालव क्षेत्र के रूप में यानी मालव रीजन के रूप में, जनरली ये मालवा या इस नाम से आ सकता है मालव, मालव रीजन या मालव प्रदेश, जिसका एरिया राजस्थान के चार जिलों में है, सॉरी मालव के रूप में दो जिलों में है। तो दक्कन प्लेटू है ये मुख्यतः चार जिलों में है, जिसमें दो में मालव के नाम से और दो में ऊपरमाल के नाम से। तो मालव वाले एरियाज कौन से हैं, तो मालव में लिया जाता है प्रतापगढ़ एंड झालावाड़। तो इन दिस प्रतापगढ़ एंड झालावाड़ आर इंक्लूडेड वेयर मालव प्लेटू रीजन एक्सटेंड, अर्थात राजस्थान के अंदर प्रतापगढ़ झालावाड़ वाला क्षेत्र ये मालव रीजन के रूप में जाना जाता है, जहां पे मध्य प्रदेश का कौन सा पठार स्थित है, जहां पे मालवा पठार स्थित है। तो इस क्षेत्र को अपन मालव रीजन इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे मध्य प्रदेश का कौन सा एरिया है, मालवा रीजन या मालवा पठार। दूसरा पार्ट आता है जो ऊपरमाल पठार के रूप में है या ऊपरमाल प्लेटू के रूप में, जो कि मुख्यतः चित्तौड़ और भीलवाड़ा की लोकेशन आती है, जिसमें चित्तौड़ का भैंसौड़गढ़ वाला पार्ट और जो भीलवाड़ा है उसका बिजोलिया पार्ट। तो इट इज ए प्लेटू रीजन एंड एक्सटेंड फ्रॉम भीलवाड़ा टू चित्तौड़गढ़ या फ्रॉम चित्तौड़गढ़ टू भीलवाड़ा, यानी जो भीलवाड़ा चित्तौड़ या चित्तौड़ से भीलवाड़ा के मध्य स्थित है उसको यह नाम दिया गया है। तो यह एक पठारी इलाका या पठारी क्षेत्र है जो भीलवाड़ा बिजोलिया से चित्तौड़गढ़ भैंसौड़गढ़ तक विस्तृत है। तो एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है ये अधिक अप्लाई किया जाता है ऊपरमाल वाला, तो ऊपरमाल की लोकेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है, इस वाले क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में याद रखना। और इसमें लोकेशन आती है या तो डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट या लोकेशन जो मेन पैलेस है बिजोलिया से भैंसौड़गढ़ वाला एरिया, ये जगह आपको याद रखनी है, भैंसौड़गढ़ है ये जगह, यानी पीपीटी में गलती से टाइपिंग में भैंसगढ़ भैंसौड़गढ़ के रूप में इंडिकेट करना आपको। इसके बाद में जो दूसरा हिस्सा है हाड़ोती का, जो दूसरा मुख्य भाग है विंध्य स्कार्पलैंड, विंध्य स्कार्पलैंड जो कि हाड़ोती और डांग एरिया की ओर विस्तृत है। एक तो इसका एरिया ध्यान रखना है, एरिया ऑफ विंध्य स्कार्पलैंड इज लोकेटेड इन हाड़ोती एंड डांग रीजन। तो हाड़ोती का तो लगभग ध्यान है आपको पहले बताया अभी है, कई बार ये सब रिपीट हो चुके हैं। डांग रीजन का मीनिंग है जो बिहार रीजन है, अर्थात कोटा के ऊपर वाला जो हिस्सा है, बूंदी के ऊपर वाला हिस्सा है, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, पूर्वी राजस्थान वाले क्षेत्र है डांग, जबकि हाड़ोती में कोटा संभाग, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो उन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। रॉक्स एंड मिनरल्स फाउंड इन विंध्य स्कार्पलैंड, तो जो खनिज विंध्य स्कार्पलैंड में या वो चट्टाने जो विंध्य स्कार्पलैंड में भंडारित होती है, उसमें एक आता है अपना सैंडस्टोन जिसको हम नाम देते हैं बलुआ पत्थर, एक आता है इसमें लाइम स्टोन जिसको नाम दिया जाता है चूना पत्थर, एक पार्ट आता है इसमें कोटा स्टोन जो सामान्यतः ग्रे कलर का एक पत्थर होता है जिसको हम नाम देते हैं, और एक इसमें होता है रेड स्टोन या लाल पत्थर जो विंध्य स्कार्पलैंड में धौलपुर और करौली को अधिक पाया जाता है, और इस रेड स्टोन को हम धौलपुर स्टोन भी बोलते हैं, और एक आएगा इसमें डायमंड या हीरे वाला पार्ट, यानी मुख्यतः ये जो मिनरल्स या रॉक्स होती हैं ये विंध्य स्कार्पलैंड में अधिक पाई जाती हैं, और इनमें सर्वाधिक पाया जाता है बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन जहां लिखा हुआ है उसके आगे ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं कि मैक्सिमम या ये सर्वाधिक पाया जाता है। तो हाड़ोती के जो दोनों मुख्य भाग थे अर्थात सदन या जो दक्कन लावा प्लेटू है वो वाला हिस्सा, और दूसरा जो विंध्य स्कार्पलैंड या विंध्य कगार वाला जो पार्ट है वो वाला हिस्सा, दोनों हिस्से हमने कंप्लीट किए हैं। उसके बाद में हाड़ोती को बांटा जाता है उसके सब डिविजनल पार्ट अर्थात उसके गौण भागों में। तो सब डिविजन पार्ट ऑफ हाड़ोती कितने माने जाते हैं, तीन भाग। अब इन तीन भागों के लोकेशन किस तरीके से है, तो ये हाड़ोती में इस तरीके से फैले हुए हैं, एक तो एक क्रिसेंट सेफ हिल्स यानी अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के रूप में, जिसका ये ऊपर वाला हिस्सा बूंदी की ओर जिनको हम कहते हैं बूंदी हिल्स, जबकि जो नीचे वाला हिस्सा है वो है कोटा झालावाड़ में, और इस एरिया को मिला के कहा जाता है मुकुंदरा हिल्स। तो मुकुंदरा हिल्स एंड बूंदी हिल्स इन दोनों को मिला के नाम दिया जाता है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। इसके बाद में नेक्स्ट है शाहबाद अपलैंड या जो अपलैंड के रूप में शाहबाद उच्च भूमि, तो शाहबाद जो अपलैंड वाला जो पार्ट है ऊंचा उठा भाग है ये भाग आता है बारा के अंदर, और ये तो मुख्यतः सहरिया जनजाति या सहरिया जो टाइप्स है उसके लिए प्रसिद्ध है, और दूसरा इस एरिया में घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी स्थित है। घोड़े के नाल यानी घोड़े के पांव में जो लगती है ये वाला पार्ट, तो घोड़े के नाल मुख्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये बारा के अंदर शाहबाद उच्च भूमि वाला पार्ट आता है उसी में स्थित है। फिर आता है डग गंगधार क्षेत्र, तो डग गंगधार क्षेत्र है ये हाड़ोती का गौण भाग है जो कि झालावाड़ में स्थित है। तो इसका लोकेशन भी आपको याद रखना है कि झालावाड़ के अंदर डग गंगधार रीजन में स्थित है। तो एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में कि राजस्थान में डग गंगधार क्षेत्र या रीजन कौन से एरिया में, आंसर रहेगा झालावाड़। बारा वाला जो एरिया उसको नाम देते हैं शाहबाद उच्च भूमि या शाहबाद अपलैंड वाला पार्ट, और इस साइड में जो नॉर्थ टू साउथ की ओर फैला हुआ हिस्सा है इसको नाम दिया जाता है मुकुंदरा हिल्स, और बूंदी हिल्स को मिला के अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के रूप में। तो हाड़ोती के जो सब डिवीजन है वो तीन है, नॉर्थ से वेस्ट को कवर करते हुए अर्धचंद्राकार पहाड़ी, इसके ईस्ट वाले भाग बारा की ओर है शाहबाद अपलैंड एरिया, और इसमें जो मुख्यतः झालावाड़ के सदर्न वेस्टर्न पार्ट की ओर यानी झालावाड़ इस एरिया पे इस तरीके से, तो झालावाड़ के सदर्न और वेस्टर्न पार्ट को कवर करते हुए आता है डगे गंगधार क्षेत्र। तो डगे गंगधार क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में है, तो ये झालावाड़ में और किस भौतिक प्रदेश में शामिल है, तो हाड़ोती में, यानी सब डिवीजन पार्ट ऑफ हाड़ोती एंड लोकेटेड इन झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट। तो ये वो जो तीन भाग जो मैंने अभी आपको बताया है, जिसमें
क्रिसेंट सेफिल यानी अर्धचंद्राकार पहाड़ी जिसके दो भाग होते हैं बुंदी हिल्स और एक मुकुंदा हिल्स। मुकुंदा हिल्स के रूप में इनका विस्तार होता है मुख्यतः कोटा में और बचावा भाग होता है झालावाड़ में। बुंदी हिल्स अपने नाम से मिलेंगे बुंदी डिस्ट्रिक्ट में, इसका मीनिंग इन तीन जिलों में होती है बुंदी में कोटा में झालावाड़ में अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। लेकिन किसी इंडिविजुअल या एक जिले में इसका आंसर पूछा जाए तो वो एक जिला आंसर रहेगा मुख्यतः बुंदी वाले रीजन में। उसके बाद में आते हैं शाहबाद अपलैंड, शाहबाद पुछभूमि जो कि मुख्यतः बारा की ओर स्थित है और यहाँ पाए जाने वाली विशेष आकृति की पहाड़ियां जो मिलती हैं स्यूफ फॉरेस्ट टाइप यानी घोड़े के नाल जैसी आकृति की पहाड़ियां होती हैं इस तरीके की। इसके बाद में जो लास्ट वाला हिस्सा मैंने बताया था सब डिवीजन में डग गंगधार, तो डग गंगधार क्षेत्र ये झालावाड़ में स्थित है, तो ये याद रखना हरोती का सब डिवीजन जो झालावाड़ में स्थित। इसके बाद में आता है राजस्थान का एक न्यू टॉपिक।